हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवरे देतीमन। महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती में 4 सितंबर और 5 सितंबर को इंटरव्यू के समय जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ध्यान से जो है वो क्वेश्चन सुनिएगा और उनके आंसर भी मैं बताने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो आप लोगों को जो है वो अपना इंट्रोडक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी करके जाना है। आपका नाम, आप कहाँ से जो है वो आए हैं, आप किस ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं या किस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो है वो अपने ब्लॉक या ग्राम पंचायत का जो सरपंच है, प्रधान है, विधायक है, BDO है, CBEO है, EO है, इनका नाम जो है वो आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, 4 सितंबर को जो और क्वेश्चन पूछे गए, जैसे उड़ान योजना जो है वो किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए ये योजना जो है वो महिलाओं से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हर साल अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, और 2 और 3 सितंबर को भी ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ, तो 2 अक्टूबर जो है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जो है अहिंसा दिवस हर साल मनाते हैं। ध्यान रखना है कि राजस्थान जो है वो बिल्कुल पहला जो है रहा है राज्य जिसने शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना की, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर पूछते हैं कि शांति विभाग, अहिंसा विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो राजस्थान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा गैस सिलेंडर फ्री दिए जा रहे हैं, उस योजना का नाम क्या है, तो आपने न्यूज़पेपर में बहुत अच्छे से देखा होगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितने रुपए मिलते हैं, तो ध्यान रखना है इसमें 31,000 जो है वो 8th जो पास गर्ल्स हैं उनको दिए जाते हैं, 10th पास गर्ल्स को 41,000, और उसके बाद जो है ग्रेजुएशन जो गर्ल्स जिन्होंने पास की है उन्हें 51,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है वो क्या है, तो ध्यान रखना है कि जो मिलावट है उसको दूर करने के लिए जो है सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। पिछले वीडियोस में अभी मैंने आपको बताया था कि जो योजनाएं हैं सरकार की, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, वो पूछी ही जा रही हैं, ठीक है। बाकी जो है महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती, इससे संबंधित क्वेश्चन, यानी महात्मा गांधी की जो जीवनी है, उनके जो सिद्धांत हैं, वो भी आप ध्यान में रखें। ये सारी चीजें बहुत सरल हैं, इतनी ज्यादा कठिन नहीं है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इंटरव्यू में जो है वो बहुत ही जो है कठिन जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, 4 सितंबर में जो क्वेश्चन पूछे गए वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो याद रखना है कि आप जो है सरकारी हॉस्पिटल में अगर जाते हैं दवाई लेने, तो उस योजना का जो है क्या नाम है, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है उसका नाम, ठीक है। पालनहार योजना किन परिवारों को लाभ मिलता है, तो ध्यान रखना है कि जहां बच्चों के माता पिता या किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो उन बच्चों के पालन पोषण के लिए सरकार जो है आर्थिक रूप से जो सहायता देती है, तो वही है पालनहार योजना, नाम से ही जो स्पष्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी शिक्षक दिवस जो है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो 5 सितंबर, यानी आज की डेट में जो प्रश्न पूछा गया, क्योंकि आज जो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जो है उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाते हैं हम, तो ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पूछ लिया गया, यानी जो दिन है उससे संबंधित जो है वो क्वेश्चन जो है उनके सामने आया, तो उन्होंने पूछा। युवा संबल योजना में लाभ लेने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, तो ध्यान रखना है 21 साल। ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के में रिपीट हो सकते हैं, तो आप जो है इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी मैं पहले भी जो है वो आप लोगों को वीडियो में 2 और 3 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो ऐसे ही जो है क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं योजनाओं से संबंधित, आपको इंट्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल ध्यान में रखना है, 10 से 12 मिनट का जो है वो इंटरव्यू रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही सरल रहेगा। यदि आप किसी का आंसर नहीं भी दे पाते हैं, तो बिल्कुल साइलेंट रहें और अपना जो है वो बिल्कुल एक्सपीरियंस जो है वो गेन करें, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस होता है इंटरव्यू का, ये आगे जो है वो आप लोगों को बहुत जो है काम आने वाला है। हो सकता है कि यहाँ पर अभी जो है वो आप लोगों को कम जो है सैलरी मिले, बट आगे जो है जब एक्सपीरियंस मांगा जाएगा दोबारा से, जब ये भर्ती आती है, तो सबसे पहले आप लोगों को लिया जाएगा। हो सकता है सरकार के द्वारा जो है एक ऐसी योजना आए कि जो है आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बिल्कुल जो है बी पॉजिटिव होकर जो है वो इंटरव्यू देने के लिए जाएं। सभी को जाना है, चाहे जिसने ऐसे ही फॉर्म भर दिया हो, किसी के कहने पर भी फॉर्म भर दिया हो, तो भी जो है वो आप लोग चले जाएं। एक जो है वो आप लोगों को एक्सपीरियंस जो है वो जीवन में मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।